सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम को उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वायु निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी भगवती कृपा से, इसी माँ भगवती की शक्ति से शक्ति संपन्न होकर के ब्रह्मा सृष्टि करने में, भगवान विष्णु पालन पोषण करने में और भगवान शिव जो है जिसहार करने में सफल होते हैं। अन्य देवगण भी इसी देवी की मंगलमय शक्ति से संपन्न होकर के भी अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। कीट से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो है, जो भी जो तेज जो है, वह सब इसी भगवती की कृपा का फल है। और वह भगवती आदि शक्ति जो है उसके नौ रूप हैं, जिन नौ रूपों के विशेष नवरात्रों में जो है भक्तजन जो है नौ दिन जो है इस शक्ति की उपासना करते हैं। क्योंकि जो नवरात्र के दिन जो है, नौ दिन का जो समय जो है, जो विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं और जिसमें भक्तजन जो है इन नौ दिनों में माँ भगवती का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, माँ के अखंड ज्योत जगाते हैं, शाखा रोपण करते हैं और प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय परिवार एकत्रित होकर के माँ की आरती करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हम पर प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, किसी प्रकार से भी हमसे कोई जीवन में जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्त का मार्गदर्शन करना, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे कुल पर जो है अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे घर में जो है सदा सर्वदा निवास करना, लक्ष्मी गुरु विराजमान होकर के अवधि को देना, उन्नति को देना, सुख देना, शांति देना और सर्वत्र जो है हम सबका मंगल ही मंगल करना। बोलो सच्चे दरबार। तो माँ भगवती के जो नौ रूप जो है, जिनके नवरात्र में नौ दिन भक्त जन साधना करते हैं, वह नौ रूप जो है भगवती के इस प्रकार से हैं। प्रथम शैल पुत्र च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे कुशमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंद महाते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि महाघोरी चाष्टम नवम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तित। बोलो दुर्गा माता की जय। तो जय माँ के नौ रूप है और प्रतिदिन एक एक स्वरूप का ध्यान करते साधक जो है माँ की भक्ति में वह अग्रसर होता है। पहला स्वरूप जो है माँ भगवती शैलपुत्री का है। ये शैलपुत्री पूर्व जन्म में जो है दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, इनका नाम सती था और इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में
अपना ध्येय त्याग दिया था योगाग्नि सिंह, और जो है फिर दूसरे जन्म जो था हिमालय के घर में हुआ है, और हिमालय के घर में जो जन्म होने से इनका नाम जो था शैल पुत्री पड़ा है। शैल पर्वत को कहते हैं और पर्वत की पुत्री होने के कारण से ये शैल पुत्री कहलाई। इस जन्म में माँ भगवती ने, इस शैल पुत्री ने माँ भगवान शिव को जो है प्रसन्न करने के लिए तप किया, बड़ी घोर तपस्या की और पुनः जो है भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो पहले दिन जो है शैल पुत्र के स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है अपनी साधना जो है ये मूलाधार चक्र से प्रारंभ करते हैं। मूलाधार चक्र से जो है जिस साधना प्रारंभ करते हुए दूसरे दिन जो है यहाँ माँ भगवती का स्वरूप जो है वह ब्रह्मचारिणी का है। क्या ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माँ भगवती ने घोर तप किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और जो है उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से यह दूसरा स्वरूप जो है माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है इसके दो हाथ हैं, एक हाथ में करमंडल है, एक हाथ में जपमाला है। ऐसे जो भगवती जो है और दूसरे दिन जो है माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है अपने मन की स्थिति जो है स्वाधिष्ठान चक्र में ले आते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित कर करके माँ भगवती की साधना करते ही तीसरा नवरात्र तीसरा स्वरूप जो है माँ भगवती का जो है जो चंद्र घंटक है। चंद्र घंटक के स्वरूप का ध्यान करते भक्त जन जो है फिर अपने मन की स्थिति को जो है यहाँ मणिपुर चक्र में जो है यहाँ स्थित कर करके माँ की साधना में अग्रसर होते हैं। फिर चौथे नवरात्र में जो है माँ भगवती का जो चौथा स्वरूप जो है ये कुष्मांडा देवी का है, जो आज चतुर्थी ही चौथा नवरात्र ही चतुर्थी तिथि ही, और जो है ये चौथा स्वरूप जो है माँ भगवती कुष्मांडा देवी का है। कुष्मांडा देवी का ध्यान करते हुए आज के दिन भक्तजन जो है यहाँ अपना मन के अपने मन की स्थिति को जो है अनाहत चक्र में जो है ये ले आते हैं। यहाँ पर स्थित कर करके माँ भगवती जो है कुष्मांडा देवी की उपासना करते हैं और भगवती कुष्मांडा देवी का आशीर्वाद जो है ये प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा की ये जो चौथा स्वरूप जो है ये कुष्मांडा देवी का है, और अपने मंद हल्के हंसी द्वारा जो है अंड अर्थात ब्रह्मांड को जो है उत्पन्न करने के कारण से जो है इसका नाम जो था कुष्मांडा जो है ये पड़ा था। जिस समय सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ भी नहीं था, सर्वत्र जो है अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, और ऐसे में जो है कहते हैं कि ब्रह्मा की जो ब्रह्मांड की रचना जो थी जैसी भगवती ने ईशद हास्य से मंद मंद हास्य से जो है इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः जय सृष्टि की जय आदि शक्ति। जिस समय कुछ भी नहीं था इसी भगवती ने सृष्टि की रचना की थी, और जय भगवती जो है यह इस सृष्टि की आदि शक्ति ही, और कहते हैं कि भगवती आदि शक्ति जो है जय माँ भगवती जो है जय सूर्य मंडल में इसका निवास है। कहाँ पर जो निवास करती है सूर्य मंडल में, आप जानते हैं कि सूर्य का कितना तेज ही उस मंडल में जो है निवास करने की शक्ति जो है इसी भगवती में है। वास्तव में यही भगवती जो है अपने प्रकाश द्वारा जे सूर्य चंद्रमा पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने वाली, दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाली यही भगवती है, और इनकी तुलना जो है इन्हीं के साथ की गई ही, क्योंकि इनके समान कोई दूसरा देवी देवता है ही नहीं। ऐसी जो भगवती कुष्मांडा देवी जो है यह आज के दिन जो है इसी भगवती की आराधना कर करके माँ भगवती कुष्मांडा देवी का आशीर्वाद जो है ये भक्तजन करते ही। इनकी आठ भुजा है, आठ भुजा है, और जिनमें जो है यह गधा, एक हाथ में गधा ही चक्र ही, एक हाथ में जो है कमल पुष्प ही, धनुष ही, बाण ही, एक हाथ में जे करमंडल लिए हुए हैं, एक हाथ में जे अमृत कलश लिए हुए हैं, और एक हाथ में रिद्धि और सिद्धि को देने वाले जो है जप माला जो है इनके हाथ में विद्यमान है। ऐसा जिनका स्वरूप जो सिंह पर विराजमान है, और सब प्रकार की निधियों को और सिद्धियों को देने वाले जय भगवती है। हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उसमें कहा गया अष्ट अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,
और सिद्धि और नवनिधियों के दाता जो है। तो इस प्रकार से ये सिद्धि जो थी हनुमान जी ने माँ भगवती की उपासना कर करके जिस सब प्रकार की सिद्धि जो है ये प्राप्त की थी, क्योंकि हनुमान जो थे ये शिव के जो है अवतार थे। और भगवान शिव ने माँ भगवती माँ जगदम्बा की आराधना कर करके जो है ऐसा तप किया, माँ को प्रसन्न किया और भगवती के आशीर्वाद से माँ की कृपा से उन्हें जिस मत शक्तियां जो थे वह प्राप्त हुई। वह शक्ति जिस प्रकार से है अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राक्राम्य ईश्वत वशित्व ये आठ प्रकार की सिद्धियां जब बतलाई गई है और सिद्धियों को देने वाली जो है यही भगवती है। और इसी भगवती की आराधना कर करके भगवान शिव ने जब जब सब प्रकार की सिद्धियां नदी जो प्राप्त की तो जो है उनका आधा शरीर जो था वह शक्ति का हो गया, नारी का हो गया, जिससे भगवान शिव जो थे ये जगत में अर्ध नारीश्वर कहलाए। अर्ध नारीश्वर होने का कारण यही है, इनका आधा शरीर जो है ये शक्ति का इसी कारण से हुआ था, इन माँ भगवती को प्रसन्न कर करके समस्त शक्तियों को प्राप्त किया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए समस्त शक्तियों को देने वाली जय भगवती ही नवरात्र पूजन के चौथे दिन जो है कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ही यही ध्यान करते इनकी उपासना जो है जय की जाती है। इस दिन भक्त जन जो है अपने मन को अनहद चक्र में जो है व्यसित कर करके जो है माँ भगवती का जो है ये ध्यान करते हैं। और आज का दिन विशेष करके बिल्कुल पवित्र और अचंचल मन, मन की चंचलता को जो त्याग कर करके मन पर जो है काबू पा करके फिर जाकर भगवती का आप ध्यान करें। मनसा वाचा कर्मणा, मन पवित्र तन पवित्र हो, इस प्रकार से वाणी पवित्र हो, कभी कोई झूठ ना बोलें, असत्य ना बोलें, कभी किसी की निंदा चुगली ना करें। जो विशेष इस दिन जो है कुष्मांडा देवी की उपासना करने वाले साधक के लिए ऐसा जो निजम है कि मन को पवित्र करें, तन को पवित्र रखें और इस प्रकार से जो है वाणी को पवित्र रखते हुए इस तरह से अपना वस्त्र पवित्र हो, विचार पवित्र हो और घर पवित्र हो, जहाँ पर भगवती आपने विराजमान किया है वहां पर सारे बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होती है पवित्रता होती है, उसी स्थान पर देवी देवताओं का निवास होता है। और जहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है वहीं पर जो है सुख होता है, शांति होती है और सर्वत्र आनंद आनंद होते हैं, क्योंकि ये भगवती जो है ये आनंदमय है, ये सच्चिदानंद स्वरूपा जो है सब ओर से भक्तों को आनंद देने वाली है। इसलिए जिस घर में इस विधि विधान से भगवती की पूजा की जाती है, कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है, उस घर में सदा सर्वदा ये देवी की कृपा से सब प्रकार की रिद्धि और सिद्धि जो है जिन भक्तों को प्राप्त होती है, जिस घर में माँ कुष्मांडा की इस प्रकार से पूजा माँ की आराधना की जाती है और मन की जो चंचलता का त्याग कर करके मन को अपने वश में कर करके फिर माँ के शरणक धो करके कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवती की साधना करें, इनकी भक्ति से जो है आयु की वृद्धि होती है। मनुष्य जो दीर्घ आयु को प्राप्त और आयु का भोग करते हैं आयु की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है संसार में, उनका यश उनकी कीर्ति जो है अटल बनी रहती है, उनका बल बढ़ता है अर्थात वह निरोगी रहते हैं और वह बल से जो है शक्ति संपन्न रहते हैं और आरोग्यता की प्राप्ति जो है उन्हें होती है। और माँ कुष्मांडा जी भक्ति करने से प्रसन्न होकर के जे भक्तों को वरदान देती हैं और माँ की कृपा से जिन भक्तों का आशीर्वाद जो है जे प्राप्त हो जाते हैं, उनकी सभी मनोवांछित कामना जो है वह पूर्ण होती है। तो ये भगवती जो है माँ कुष्मांडा देवी जो है, इसके जो है कुष्मांड जो है संस्कृत में जो है पेठे को कहते हैं, पेठा जो है जे पेठा पेठे की बलि जो है जे भगवती कुष्मांडा देवी को अत्यंत प्रिय है। और कुष्मांडा की बलि माँ के चरणों में अर्पित करने से जो है कुष्मांड जो पेठा जो चढ़ाने से भगवती वो शीघ्र जो प्रसन्न होती है, जो इस तरह से माँ की भक्ति करते हैं, एक तो इससे जो पेठे की बलि चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है, जीवन में जो है सदा सर्वदा सुख शांति बनी रहती है और इस प्रकार निरोगी जीवन प्राप्त करता हुआ साधक जो है इस लोक में सब सुखों का प्राप्त करता है और उसका परलोक जो है वह कल्याण मा जाते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि शास्त्र में जो बतलाई गई विधि विधान जो है उन विधि विधानों के अनुसार जो है माँ भगवती के शरणागत होकर के माँ की साधना करें,
क्योंकि देवतव जो हैं इसी शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति संपन्न होकर के, क्योंकि जो शक्ति संपन्न है वही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है। जो शक्तिहीन है, शक्तिहीन व्यक्ति जो है वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, तो दूसरों की रक्षा या दूसरों की सहायता कैसे कर पाएगा। जो धन शक्ति संपन्न है, शरीर शक्ति संपन्न है, ज्ञान शक्ति संपन्न है, अन्य शक्ति संपन्न है, वही जो है अपना भी उनका कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण करने वाले वह हो जाते हैं। इसलिए जो भक्त जन माँ भगवती की शरणागत होकर के भगवती की साधना करते हैं, माया की आराधना करते हैं, वह तो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। परंतु जो वह दूसरों के भी शरण देने वाले, दूसरों के आश्रय देने वाले, दूसरों का भी कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिनकी माँ जगजननी जगत माता की कृपा हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भक्तजन जो है माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के करवत यही प्रार्थना करते कि माँ किसी प्रकार से जीवन में कुछ जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हम भक्तों का हमारे दर्शन करना, क्यों आप जिन पर प्रसन्न होती हैं उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती हैं, और आपकी कृपा से जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं वही जो संसार में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, वही जो है उनका धर्म जो है कभी सफल नहीं होता, वह सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म को कर्म करते हुए अपने परिवार के साथ, अपने स्त्री अपने पुत्रों के साथ जो है वह सुखपूर्वक रहते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, जिन पर आपकी कृपा होती है, जिन पर आप प्रसन्न हो जाती है, उनके सभी कष्ट सभी दुख जो है दूर होते हैं। मैं संक्षेप में आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ। कहते हैं कि एक दो बालक थे, दो बालक जो थे वह एक ही पाठशाला में अध्ययन करते थे, बड़े हो गए इकट्ठे खेलते थे, इस प्रकार से जहाँ भी जाना इकट्ठे जाना, घर में जाए एक दूसरे के घर में चले जाते थे, वहीं जो है जहाँ भी एक दिन दूसरे के घर में फिर उस दूसरे के घर में, ऐसे जो इनका इतना प्रेम था, इतनी मित्र थी, अद्भुत मित्रता थी। बड़े हो गए और जो है व्यापार में आ गए, व्यापार करने लगे, व्यापार जो था वो फला फूला, परंतु संगत जो थी वह बुरी लग गई। जब कुसंग प्राप्त हुआ तो जो है अब जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है, कुसंग लग जाए और कुसंगी लोग जो है साथ में मिल जाए, ऐसे कुसंगी लोगों का जब साथ हो जाता है तो उसी से व्यक्ति का सर्वनाश होता है। कुसंग की प्राप्ति हुई और एक प्रकार से कुमार पर चल पड़े, चलते चलते धीरे धीरे जो है आप जब व्यापार भी कम होने लगा, धन भी नष्ट होने लगा, कहीं पूर्व जन्म के कर्म थे, देवी की कृपा हुई और सब वो रिद्धि सिद्धि थी और पुण्य समाप्त हो गए, कुछ धर्म कर्म किया नहीं, बुरे कर्म करते रहे, पुण्य जब समाप्त हुआ तो एकदम अधोगति को प्राप्त हो गए। धन समाप्त हो गया, कुछ रहा नहीं, अब परिवार भी लोग जो है वह भी दुखी और वह भी उनको कोसते हैं। फिर जो मित्र वर्ग जो था, जो प्रयोजन उनके साथ चलते थे, खाते थे, उड़ते थे, बैठते थे, उन्होंने भी संग छोड़ दिया। जब कहते हैं कि वृक्ष पर फल लगे होते हैं तो पक्षी आते हैं खाते हैं, जब फल समाप्त हो जाते हैं वे पक्षी भी उस वृक्ष का परित्याग कर देते हैं। और जब तक आपके पास धन संपत्ति ही सब कुछ ठीक ठाक है तो सभी मित्र हैं, भाई बंधु हैं, परिवार है, सब कुछ है, और जब धन समाप्त हो जाते हैं फिर सभी कोसते हैं, कोई देखता तक नहीं, कहीं हमसे कोई कुछ मांग न ले, कहीं हमको इनको रोटी खिलाना न पड़े। और जब विपत्ति आती है, बुरा समय आता है, तो तब जो कहते हैं कि भीख मांगने पर भी नहीं मिलती, ऐसी परिस्थिति जो है उन दोनों मित्रों की हुई। अब सभी जो है उनको डांट डबल लगाते, सब निंदा करते, ये बड़े दुष्ट थे, इन दुष्टता की बुरे कर्म करते थे, कुसंग पे चलते थे, इनकी दुर्दशा हुई, हमसे उधार लिया है, देते नहीं है, सभी लोग जो उनकी निंदा करने लगे, जहां जाते वहां जूते पड़ते, ऐसी दुर्दशा हुई, दोनों दुखी हुए, पर परिवार में वाले भी नहीं चाहते हैं और समाज तो पहले ही है, वो तो जूते मारेगा। अब जो है दोनों ने विचार किया, अब नगर में तो हमारी सर्वत्र निंदा निंदा है, क्यों ना इस नगर का त्याग कर दें और कहीं कहीं दूसरे नगर में चले जाएं, कहीं कोई मजदूरी कोई काम करेंगे तो जो है अपना जीवन यापन करेंगे। दोनों मित्र जो है चल पड़े, अपने नगर का त्याग किया और चल पड़े अपनी मातृ उस जन्मभूमि को प्रणाम करके। अब चलते चलते जो है विचार आ रहे हैं, कैसा हमारा जीवन था, कैसा बचपन था, कैसे जो हम अवधि को प्राप्त हुए, उन्नति को प्राप्त हुए, कोई धन की कमी नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि धन जब कई पीढ़ी तक चलेगा जिस समाप्त नहीं होगा।
परंतु जब व्यक्ति को कुसंग लगे, चाहे कोई राजा महाराजा भी क्यों ना हो, बड़े बड़े कुएं जो है कुप भरे हुए भी व्यवस्थित समाप्त हो जाते हैं। कुएं में जो है यदि जल निकालते जाओ उसमें स्रोत ना हो तो जल समाप्त हो जाता है। ऐसे धन संपत्ति जो है जिसमें जो है धन आएगा नहीं, खर्च करते चलो तो फिर जो एक दिन बस समाप्ति होगी। ऐसे ही पुण्य होते हैं, हम पुण्य अर्जित करते हैं भगवान की आराधना साधना, जो पुण्य रूपी धन है, जो जो आप बैठ करके नवरात्रों में माँ के चरण में बैठ करके जो पुण्य जो अर्जित कर रहे हैं, इसके लिए कहा है कि इस तरह से तीर्थ में जाकर के शक्तिपीठ पर जाकर के इस प्रकार जब साधक पुण्य अर्जित करता है, भगवती साधना करता है, इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। जे पुण्य होते हैं जो सब प्रकार के सुखों को देने वाले होते हैं, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाले होते हैं। दोनों मित्र जो है चले, संकट में थे और अपना जो पिछला जो याद करने लगे, हम कैसे थे, सभी हमारे मित्र थे, हमारे साथ बैठते थे, हंसते थे और हमारे साथ ही खाते थे और इस तरह से वह सभी हमारा मान सम्मान करते थे। आज कैसी परिस्थिति हो गई, धन समाप्त हुआ तो सब मित्र बंधु सब के सब समाप्त। चलते हुए ऐसे विचार करते जा रहे थे, वन का रास्ता था तो जंगल में जो है एक ऋषि का आश्रम था, वहां पर देवी यज्ञ हो रहा था। बड़े ऋषि महात्मा वहां पर तप कर रहे थे, माँ भगवती का भजन कर रहे थे और वहां के जो संत थे, बड़े संत जो है वह वहां जो है प्रतिदिन जो है यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे और कहते हैं कि वहां पर जो हिंसक जीव होते थे वह भी उस स्थान पर आकर के शांति से रहते थे, कोई किसी से क्लेश कोई कला नहीं करता था, बड़ी शांति थी। और वहां पर जब जो हवन हो रहा था, मंत्रों की धुन जो है उनको सुनाई दी, सहकार सुनाई दिया, मंत्र जो देवी मंत्र जो है, कहते कि मंत्र का एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता, उसके पाप नष्ट हो जाते। मंत्रों की धुन जब सुनाई दी तो विचार आए, विचार बदले, यहां तो कोई आश्रम है जहां तो कोई आराधना हो रही है, जहां मंत्र पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, हवन की सुगंधी आ रही है, तो विचार बदला, सात्विक बुद्धि आई और जो है बुद्धि ने काम किया और ऐसी प्रेरणा थी कि हम क्यों ना यह यज्ञ में चले। यज्ञ में चल पड़े और वहीं पर बैठते हैं, रोज जो है अब सत्संग कीर्तन होता है, भजन होता है, मंत्र पाठ होता है, हवन होता है, पूजा होती है और वहां पर बैठने से उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो दोनों जो है अब धीरे धीरे संत महाराज जी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और जो है प्रार्थना की, महाराज हम बड़े पापी हैं, सत्संग सुनते हैं रोज जो है, तो अब जो है हमें बड़ी एक गिलानी हो रही है मन में कि हम कितने दुष्ट थे, कितने पापी थे, कितने कितने पाप हमने किए और आज हमारी ये दुर्दशा होगी। महाराज ऐसा ऐसा हमने सब किया है, हम बड़े संपत्ति वाले थे, सब समाप्त हो गया, अब तो भीख पर बारी आ गई, कोई हमारा मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, हम क्या करें जिससे हमारा ये कष्ट ये दुख जो है, हमारे जो पाप जो नष्ट हो, हमारा जीवन सुखी हो जाए। तब कहते को समय उस ऋषि ने कहा कि आप माँ भगवती के ही शरणागत हो जाइए, भगवती की उपासना कीजिए, मंत्र दिए इस मंत्र का बैठ करके जप कीजिए। ऐसे माँ की भक्ति करते करते जो है माँ की ऐसी कृपा हुई, अब जब फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, भगवती कृपा से दिन दोगुनी रात चुगनी होने लगी और जो है फिर संपत्ति संपन्न भी हुए, परंतु माँ की भक्ति छोड़ी नहीं, माँ की भक्ति में ऐसी लगन लगी और माँ की भक्ति करते हुए वह दोनों जो थे परम कल्याण को प्राप्त हुए। इस लोक में उन्होंने इस पृथ्वी लोक में रहते हुए सब सुखों का भोग किया और अंत में उनका परलोक कल्याण हुआ, पर मोक्ष को प्राप्त हो गया। सच्चे दरबार की। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।